गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप देख रहे हैं टोकन स्पोर्ट और मैं आपका होस्ट मोहम्मद सुमेर मुफीद। हमारे साथ हैं फवाद अब्बासी साहब, ये भी हमारे होस्ट हैं। तो आज है श्रीलंका क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो आज हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि अब्बासी साहब क्या बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, आप बताएं। देखें सुमेर, जैसा कि आप हम क्रिकेट की हिस्ट्री में देखते आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो शुरू से ही ऐसा बेहतरीन परफॉर्म करती है कि उसकी बैटिंग साइड भी 100% देती है और बैटिंग साइड भी 100% देती है, दोनों। ऐसा नहीं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ना वो, अब जैसे आप मिसाल लें हमारे पाकिस्तान की, बैटिंग साइड चल जाएगी जी तो बॉलिंग साइड फ्लॉप हो जाएगी जी, ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल। या इंडिया की साइड ले लें, इंडिया की भी बॉलिंग साइड वैसे तो है ही नहीं, अभी लास्ट जो मैच गुजरा है उसमें उन्होंने, इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करी। नहीं, अगर आप देखा जाए तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की पिच तो हार्ड होती है, उसमें बॉलिंग मतलब शुरू के 10 ओवर तो बॉल ऐसी जाती है मतलब दिखती भी नहीं है गेंद, चाहे वो स्पिनर की भी क्यों ना हो, क्योंकि स्पिनर की गेंद होती है घूम जाती है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आगे फिर बैट्समैन भी तो मैक्सवेल जैसे खड़े होंगे ना इधर। मैक्सवेल की तो बात ही अलग है ना भाई, मैक्सवेल तो हार्ड हिटर बंदे आते हैं जैसे हमारे आसिफ हैं, बस आसिफ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो अलग बात है। खैर, अभी स्कॉट के बारे में जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच कुछ देर में शुरू होने वाला है, तो स्कॉट के बारे में बताएं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि मुझे जो लगता है ना, ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करे ना तो 200 तो तकरीबन टारगेट इंशाल्लाह वो देगा ही देगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो अभी मैच हुआ है आखिरी न्यूजीलैंड से, तो ऑस्ट्रेलिया देखे बैटिंग कुछ कर नहीं पाई ज्यादा, तो इतनी खास तो बैटिंग कर नहीं पाई ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड ने आपने देखा 200 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया 110-111 पे ऑल आउट हो गई। देखें इसमें भी देखें, हर चीज का एक एक्सपीरियंस है ना, अब जिस टीम जिसकी अभी जैसे आपकी खराबी है जी, ठीक है, आपको एनालाइज कर लिया आपने कि नहीं मुझमें इस बात की कमी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसकी प्रिपरेशन करेंगे, आप क्या वो बैटिंग साइड अपनी प्रिपेयर कर आएंगे, आपको बताएंगे, देखिएगा 200 से ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन श्रीलंका की टीम देखा जाए तो मतलब अभी देखा जाए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सही नहीं है, देखा जाए उनके मतलब मुल्क के हालात थोड़े ठीक नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने एशिया कप आई एशिया कप जीता और वुमेन्स टीम भी ऐसी मतलब एशिया कप के फाइनल आ रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए श्रीलंका का मोरल थोड़ा ऊपर है। बहुत अच्छा कमबैक किया, मुझे तो इतना फेवरेट है कि बहुत ही जबरदस्त प्रेशर नहीं लेते अपने ऊपर। अभी जो लास्ट इन्होंने एशिया कप जीता है, आप देखें फाइनल, एक तो टीम इंसान मजबूत होता है पीछे से सपोर्ट है, आपकी कंट्री की आपको इतनी सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या बेहतरीन परफॉर्म किया, तो बेहतरीन मैच होने वाला है, दोनों टीमें जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, पहले भी और अभी भी कर रही है, तो देखने बहुत मजा आएगा, लेकिन मेरी जो है ना हिमायत वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है भाई। मैं तो बोलूंगा श्रीलंका जीतेगी, श्रीलंका अभी फाइनल भी जीती है एशिया कप का, देखा जाए तो अभी ये लोग राउंड के मैच में भले चलो अपसेट तो हो जाता है मैच में, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान भी अपसेट हुआ, इंडिया भी हुआ, काफी बार हुए हैं, लेकिन ये है कि श्रीलंका ने हो गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसने कमबैक किया। आप वार्नर को भूल रहे हैं, वार्नर को भूल तो रहे हैं, लेकिन वार्नर का भी लास्ट मैच देख सकते हैं। नहीं नहीं चलेंगे, इंशाल्लाह चलेंगे। खैर, अब ये बताएं कि हम आज ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कैसा मतलब आज कैसा खेलेंगे ये लोग। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर इन्होंने बैटिंग पहले करी ना, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया तो इनके हक में बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे, क्योंकि बैटिंग पिच है और बेहतरीन मजा आएगा। मेरे को नहीं लगता कि यार आज चल पाएंगे ओपनर, देखते हैं। नहीं चलेंगे क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग में बहुत अच्छी हो गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देखें कुछ एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, अगर बॉलिंग उनकी अच्छी है तो इनके बैट्समैन भी बहुत, श्रीलंका के भाई मानव स्पिनर है, आपको भी पता है अभी लास्ट टाइम पिछले लास्ट ईयर वनेंदु असरंगा, उसने हैट्रिक तक किए। मैं फिर बोलूंगा आप मैक्सवेल को भूल रहे हैं, मैक्सवेल इतना खास बैट्समैन नहीं है, आप उसको मतलब तो हवा बनाया हुआ है, मैक्सवेल 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 बैट्समैन वो जो जिससे जिसके नाम से ना बॉलर की टांगे कांपे भाई, इससे अच्छा मैक्सवेल से अच्छा तो भाई क्या बोलते हैं श्रीलंका का धनंजय डी सिल्वा है। नहीं आप ये कैसे कह सकते हैं, अच्छा हार्ड हिटर है भाई वो, दोनों का क्लास अलग है। नहीं नहीं आप गलत बोले ना, आप आपने श्रीलंका की फिर बैटिंग लाइन अब देखी नहीं है। मैंने देखी है, आप भूल रहे हैं, हम फिर बोल रहे हैं आप भूल रहे हैं, आप उसको देखें फिंच, उनका आप फिंच देखें, आपने फिंच की बॉल बैटिंग, आप ये बोल रहे हैं कि मतलब मैक्सवेल जो है मतलब टॉप स्कोर बनेगा, मतलब टॉप स्कोर मारेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि श्रीलंका का ओपनर है निशान का वो टॉप 7 में आता है, मतलब 7 पे है वो, और मैं बोलता हूँ कि वो 50 करके जाएगा और मैच का स्कोर कम से कम 180 के ऊपर करके जाएगा। देखें एक बंदे पे तो पूरी टीम नहीं होगी ना, वो कर लेगा 50, अच्छे प्लेयर है, मैंने भी उसको देखा है, अच्छे स्ट्रोक्स खेलता है, लेकिन क्या कर लेगा 50, और भी तो प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा मेरी हिमायत तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है भाई, मैं तो बोलूंगा भाई मेरी हिमायत है श्रीलंका के साथ, लंका इज बेस्ट। चले जी देखते हैं फिर
फिर देखते हैं कौन जीतता है मैच। फिलहाल टॉस का फैसला होने वाला है कुछ देर में, तो फिर आपके साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं कुछ कुछ देर के लिए। अल्लाह हाफिज़।